हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, जिसे ट्रायल के नाम से भी जानते हैं, TRIL के नाम से जानते हैं शेयर को। इस शेयर पे हमने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, जब ये शेयर 17-18 रुपए पे चलता था। ये 82 का हाई लगा है और 69 रुपीज पे ये शेयर अभी यहाँ पर फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी करती क्या है और इसके टारगेट क्या है और ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, उससे रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। और ट्रायल की अगर मैं बात करूँ तो ट्रायल हमने अपने ग्रुप में और नीचे के भाव से, जब ये शेयर यहाँ पर चल रहा था, मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया था और उसके बाद चीजें अच्छी खासी यहाँ पर भागती हुई नजर आई, कुछ ही दिनों में अच्छे खासे प्रॉफिट होते हुए नजर आए। तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती है जो मैं यहाँ पर वीडियोस के थ्रू तुरंत नहीं बना पाता, ओके। बट हमारा एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं यहाँ पर चीजें डालते रहता हूँ, बताता रहता हूँ। और आपको मैंने हर एक वीडियो में दिखाया भी है कि किस तरीके से जब हम यहाँ पर वीडियोज डालते हैं तो देखिए शेयर किस तरीके से 5 दिन में 31%, ओके, 15-15% यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आ रही है। मार्केट गिरेगी, कितना गिर सकती है, वो सब चीज हम बात कर रहे हैं, ओके। और लोग हमारे जितने भी हमारे ग्रुप में मेंबर्स जुड़े हुए, वो मेंबर्स हमारी यहाँ पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पर तारीफ भी करते हुए नजर आते, देख सकते हैं 7% अप, 9% अप, 5%। ये कल की बात कर रहा हूँ मैं, जब शेयर बाजार गिरते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर जब मार्केट चल रही होगी तब कितना यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा, आप खुद यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सर, योर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग गुड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, आई मस्ट अप्रिशिएट। तो यहाँ पर जब अप्रिशिएशन मिलता है तो अच्छा भी लगता है हमें। अब क्या है और अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए शेयर तो डाल नहीं पाते, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे 8864051816926307 कॉन्टैक्ट करके हमें यहाँ पर आप कह सकते हैं, जहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपीज पर मंथ होती है। 1000 रुपीज पर मंथ पे आप यहाँ पर हम अनलिमिटेड स्टॉक्स डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, जहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे हम काम करते हैं और शेयर भागते हुए नजर आते हैं। और आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर देते हैं, अगर आपको यहाँ पर जानना होता है किसी स्टॉक्स के बारे में वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व स्टॉक्स से रिलेटेड करते हैं। बाकी जो हम ये स्टॉक्स हम किस तरीके से ढूंढते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, क्या फंडामेंटल्स में देखते हैं, क्या टेक्निकल्स में देखते हैं कि शेयर भागते हुए नजर आते हैं, उसके लिए कोर्स है, ओके। इसी की स्टडी के बेसिस पे मैं चीजें करता हूँ, यही सिखाता हूँ, काफी लोग हमसे सीख भी रहे हैं। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल सिखाया जाता है, जहाँ पर आप इसे सीखने का कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर करना है, फ्यूचर ऑप्शन करना है, ऑप्शन इंट्राडे करना है, इंट्राडे स्विंग, लॉन्ग टर्म जो भी करना चाहते हैं काम, इसके करने के बाद ऊपर के लेवल पे कभी फंसेंगे ही नहीं, नीचे के लेवल पे खरीद के अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। ये कोर्स का दावा है। रिसर्च के बताते हैं कि किस तरीके से चीजें स्टेजेस में चलती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, वो यहाँ पर हम बताते हुए नजर आते हैं। और फंडामेंटल किस तरीके से, फंडामेंटल्स रिसर्च और टेक्निकल को मिला के पूरा एक गणित बनाया जाता है, पूरी स्टडी की जाती है। और शेयर में जैसी एंट्री लेते हैं शेयर क्या होते हुए नजर आते हैं, शेयर शूट होते हुए नजर आते हैं, वो हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जहाँ पर लोग 50,000, 40,000, 50,000, 30,000 फीस लेते हैं, वो भी ग्रुप में, यहाँ पर 1-to-1 में 15,000 रुपीज पूरा कोर्स। और स्ट्रेटेजी मार्केट में यूज होती है, वो 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग देते हैं प्लस में ऑनलाइन नोट्स। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके यहाँ पर आप सोच सकते हैं इस कोर्स के बारे में, काफी बेहतरीन यहाँ पर कोर्स है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले LIC की वीडियोस बनाइए, जहाँ पर हम बताया LIC का शेयर क्या हो सकता है, क्योंकि 2 दिन में 18,000 करोड़ रुपए अडानी की वजह से यहाँ पर गए, और आगे क्या हो सकता है, पॉलिसी होल्डर को क्या करना है, LIC शेयर होल्डर को क्या करना है, वो देख लीजिएगा। अब बात करें ट्रायल की, तो ट्रायल यहाँ पर करता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पावर फर्नेस एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसफॉर्मर ये बनाता हुआ नजर आता है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर ट्रांसमिशन कंपनी बनाती हुई नजर आती है, अलग अलग तरीके शंट रिएक्टर बनाते हुए नजर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और यहाँ पर फर्नेस ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, ये अलग अलग तरीके जो DC पावर सोर्स होते हैं वो यहाँ पर ये बनाते हुए नजर आते हैं। ऑर्डर बुक की बात करें तो 1056 करोड़ रुपए थी कब, 30th of 21st को, यहाँ पर अगर बात करें 1 साल पहले, यहाँ पर ये शेयर 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ पर शेयर का जो ऑर्डर बुक थी इतनी थी। तो शेयर का यहाँ पर मार्केट कैप देखोगे तो 924 करोड़ है, और उस टाइम इसके मार्केट कैप देखोगे तो लगभग शायद हाफ ही होती हुई नजर आएगी और भी कम। तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और भी चीजें देखनी है तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 63% का यहाँ पर डेट है कंपनी के ऊपर, और 39 के PE पे चल रहा है, इंडस्ट्री का PE 35 का है, तो थोड़ा सा महंगा नजर आता है। बट याद रखिए PE के बेसिस पे ना तो चीजें खरीदी जाती है ना बेची जाती है। जब ओवर होता, हाँ 390 होता, उस टाइम हम यहाँ पर कंसर्न करते, बट अभी हमें कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ पर ज्यादा होता है तो याद रखिए
अडानी की जैसे शेयर गिर रहे हैं वैसे गिरते हुए नजर आते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि अडानी कोई भगवान हो गया तो शेयर उनके भागते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें नीचे आई है, चीजें ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी और नीचे इससे फिर दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से चीजें काम करती है। बट क्या है, आपको सही टाइम पे एंट्री सही टाइम पे एग्जिट वो करना आना चाहिए। अगर वो उसमें आप एक्सपर्ट हो फिर आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इनके यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर किस तरीके से इनका काम होता है दिखाई देता है। दुनिया का सबसे पहला 420 केवी का यहाँ पर ईस्टर फ्लूड फिल्ड शंट रिएक्टर इन्होंने सक्सेसफुली डिजाइन किया और मैन्युफैक्चर भी किया है एट TNR। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग चीजों से रिलेटेड कंपनी यहाँ पर काम बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चर क्या है, ये सब चीज यहाँ पर जाके एक बार इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कंपनी अच्छी खासी यहाँ नजर आती है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड शायद ये काम भी करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पर आप देखिए फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट देखते हैं। 307 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी कंपनी की और यहाँ पर 34 करोड़ रुपीज का हाईएस्ट एवर का क्या था प्रॉफिट था। एज वेल एज यहाँ पर मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर मार्जिन एक क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे थे और इस बार के मार्जिन फिर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे 2-3 क्वार्टर के मार्जिन और अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। और जब 2-3 क्वार्टर के मार्जिन अच्छे आने हैं, ओके, जब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पर शेयर को रुकना नहीं है, शेयर को हाई पे हाई लगाना है और शेयर अच्छे खासा परफॉर्म भी करता हुआ नजर आएगा। ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी अच्छी खासी है। कंपनी का शेयर 2017 में हाईएस्ट एवर लेवल पे होगा या 2011 में होगा और अभी शेयर यहाँ पर दोबारा उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आया तो चीजें और ऊपर जा सकती है। साथ में यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर्स का 74.91% की होल्डिंग है, मतलब पूरा यहाँ पर अच्छा खासा 75 जो होनी चाहिए ना वही कंपनी के पास है, बेचना नहीं चाहती। और 25% लोगों के पास है और 25% होता कितना है ट्रायल, मतलब 25% अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल केवल 230-240 करोड़ रुपीज के आसपास होगा और 2-4 लोग बड़े बड़े जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर को फिर हिला सकते हैं घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें शेयर को, पहले हमने अपने क्लाइंट को बताया था चीजें कुछ दिनों में ऊपर गई थी और प्रॉफिट भी बुक करा दिया था, चीजें दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर चीजें दोबारा अच्छी हो गई, यहाँ पर चीजें दोबारा अच्छी हो गई। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ओके, कितने 3-4 रुपए का आप लगा के चीजें कर सकते हैं और अगर यहाँ पर दोबारा शेयर 49 पे आसपास आपको मिलता है तो उससे अच्छी बात क्या है। तो यहाँ पर सोने पे सुहागा होता हुआ नजर आएगा और जब शेयर को यहाँ पर लेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो हमारा टारगेट कितना है, अभी 21 था जब चीजें नीचे आई थी और अभी यहाँ पर कितना लगभग 36% के टारगेट आपके नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई है इसका ये, जो कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के चीजों को वहां तक ले जानी है। तो 36% के टारगेट ये हो गए। बट जैसे कि मैं कह रहा था कि कंपनी अभी 2-3 क्वार्टर और अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली। ये शायद शेयर यहाँ से 150 रुपए तक का भी मूव दे सकता है, तो यहाँ से भी डबल और शायद डबल से भी ज्यादा के आपके रिटर्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं, बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और चीजों को पहले सीखे, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पर ले लेंगे और फिर दूसरों के भरोसे यहाँ पर रह के आप करेंगे तो याद रखिए लॉस ही होता हुआ नजर आएगा। 1-2 बार प्रॉफिट हो सकता है, बार बार नहीं होगा, क्योंकि आपको आपको पता नहीं है, आप किसी के कहने पर ले लेते हैं और चीजें फिर अकॉर्डिंगली चलती हुई दिखाई नहीं देती, आप यहाँ पर रुके रहते हैं, दूसरे लोगों का पैसा कमाना होता है याद रखिए, दूसरे ब्रोकर हो या कोई भी हो। बट यहाँ पर अच्छे से काम करोगे तो यहाँ पर आप उन्हें पैसा नहीं और अपनी समझदारी का भी यूज करेंगे, अपनी स्टडी का यूज करेंगे और अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो हमारा ये कोर्स है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स को भी कर लीजिए ताकि चीजें समझ में आए कब लेनी है कब बेचनी है किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 1000 रुपीज पर मंथ की फीस है, जहाँ पर आपको बहुत फायदा होता हुआ नजर आएंगे और इसका रिजल्ट मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ग्रुप का नाम पढ़ लीजिए, वेल्थ क्रिएटर हमारे इस ग्रुप का नाम है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू करें और हम यहाँ पर आपकी मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर देते रहे। इसके लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।